बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्फ्रेड मार्शल चूंकि वो पहला इकोनॉमिस्ट था जिसने एडम स्मिथ की डेफिनेशन को चैलेंज किया। इससे पहले इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ थी, जो कि एडम स्मिथ ने दी, जिसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। अल्फ्रेड मार्शल का लाइफ टेन्योर 1842 टू 1924 है, और इसके नज़दीक इकोनॉमिक्स दौलत का इलम नहीं है। इकोनॉमिक्स ऐसी तमाम एक्टिविटीज़ का इलम है जो आपकी वेलफेयर को, मटेरियल वेलफेयर को इंक्रीज करने का सबब बनते हैं। अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड विद द यूज ऑफ मटीरियल रिक्वायर्ड्स ऑफ वेलबींग। जी, इकोनॉमिक्स तमाम ऐसे सोशल एक्शन का इलम है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड, इसमें मैनकाइंड को स्टडी किया जाता है, जिनके तमाम वो इंडिविजुअल के सोशल एक्शन को स्टडी किया जाता है जो उनकी मटीरियल रिक्वायर्ड्स ऑफ वेलबींग, मादी फलाह बहबूद इंक्रीज करने का सबब बनते हैं। तो सिर्फ प्योर ऑब्जेक्टिव यहाँ पे वेल्थ नहीं है, वेल्थ होनी चाहिए, लेकिन वो फॉर द पर्पज ऑफ इंक्रीज इन मटीरियल वेलफेयर। तो ये अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन थी इकोनॉमिक्स की। उम्मीद है ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।